महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हम बुद्ध और उनके धम्म का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चौथे खंड का तीसरा भाग चल रहा है, बौद्ध जीवन मार्ग। और इसके भी आज हम दसवें भाग की या दसवें अध्याय की बात करेंगे। दसवें अध्याय का जो टाइटल है, यानी कि आज की चर्चा का जो विषय है, वो है सुख और दुख, दान और करुणा। तो आज हम इस पे बात करेंगे। इसमें तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो गरीबी होती है वो दुख को पैदा करती है, लेकिन गरीबी दूर होने पर भी सुख आए ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो सुख है वो ऊंचे जीवन स्तर से नहीं बल्कि ऊंचे आचरण से आता है। यानी कि तथागत बुद्ध कहते हैं कि ऊंचे आचरण ही सुख को प्रदान करते हैं, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि जो भूख है वो सबसे बड़ा दुख है या सबसे बड़ा रोग है, लेकिन जो आरोग्य है, यानी कि जिसको कोई रोग नहीं है, वो सबसे बड़ा लाभ है। और जो संतोष है वो सबसे बड़ा धन है, और जो विश्वास है वो तुम्हारा सबसे बड़ा बंधु है, और जो निर्वाण है वही सबसे बड़ा सुख है, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। और तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं कि जो बैरी है, यानी कि जो बैर रखता है आपसे, तो उसमें अबैरी होकर आप सुख का जीवन प्राप्त कर सकते हो। और फिर तथागत कहते हैं कि जो तृष्णा से पीड़ित है, उन पीड़ितों में तृष्णा रहित होकर सुख पूर्वक जीवन गुजारो। और फिर आगे कि जो लोभी है, मतलब जो लोभ है, और लोभ करते हैं, जो लालच करते हैं, उनके बीच में रहकर, यानी कि लोभ रहित रहकर आप सुख का जीवन व्यतीत करो। क्योंकि तथागत बुद्ध कहते हैं कि जिस तरीके से खरपतवार फसल को हानि पहुंचाता है, ठीक उसी प्रकार जो काम वासना में जो रहित रहता है, वो भी काम मानव जाति को या मानव समाज का नाश करते हैं। जिस तरीके से खरपतवार जो है एक उसका फसल का नाश करती है, ठीक उसी प्रकार से काम वासना भी मानव समाज का नाश करती है। और जो काम वासना से जो रहित होता है उनको दान देना महान दान कहलाता है। तथागत आगे कहते हैं कि जैसे जिस प्रकार से खरपतवार जो होता है वो फसल को हानि पहुंचाता है, ठीक उसी प्रकार जो तृष्णा में वो इन्वॉल्व रहते हैं, तृष्णा में लीन रहते हैं, वो भी मानव समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, नाश करते हैं उसका। और जो इंसान तृष्णा रहित है उसको दान देना सबसे बड़ा दान कहलाता है। आगे तथागत कहते हैं कि जैसे कि खरपतवार फसल को हानि पहुंचाता है, वैसे ही जो प्रमाद युक्त जो रहते हैं, जो प्रमादी होते हैं, वो भी मानव समाज का नाश करते हैं। और जो प्रमाद रहित होते हैं उनको दान देना महान दान होता है। तो तथागत आगे ये भी कहते हैं कि सबसे बड़ा जो दान होता है वो धम्म का दान होता है। धम्म से बड़ा कोई दान नहीं होता, ये सुख प्रदान करने वाला होता है। और जो धम्म में आनंद लेता है उसका जीवन आनंद पूर्वक बीतता है, वो सुखी रहता है। तो तथागत बुद्ध यही कहते हैं कि जो धम्म का जो दान है वही सबसे बड़ा दान है। फिर तथागत आगे ये भी शिक्षा देते हैं, विजय से जो विजय प्राप्त करता है उससे बैर पैदा होता है, और जो
पराजित होता है वो दुखी रहता है, लेकिन जिसने भी इस विजय और पराजित का त्याग कर दिया है वही संतोषी है, उसी को सुख प्राप्त होता है। तथागत आगे कहते हैं कि राग अग्नि के समान कोई आग नहीं और तृष्णा के समान कोई पराजय नहीं, इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए। क्योंकि तथागत कहते हैं कि इस शरीर से बड़ा कोई पीड़ा नहीं और जिस जो शांति है शांति से बड़ा कोई सुख नहीं है, ये तथागत कहते हैं। तथागत आगे ये भी कहते हैं कि किसी भी मनुष्य के दुर्वचनों पे या दोषों पर ध्यान मत दो, उसके कृत और विकृत पर कोई ध्यान मत दो, सिर्फ अपने कृत और अपने ही कार्यों पे ध्यान दो। जो आप कर रहे हो सिर्फ उसी पर ध्यान दो, दूसरे के कार्यों पर कोई ध्यान मत दो। क्योंकि तथागत ये कहते हैं कि मनुष्य जो होता है वो दूसरों की चीजों को ज्यादा देखता है, दूसरों के दोषों को भी ज्यादा देखता है, लेकिन अपने दोषों को वो नहीं देखता। लेकिन तथागत कहते हैं कि हमको दूसरों के दोषों को नहीं देखना, वो क्या कर रहा है इसको भी हमको नहीं देखना, हमको अपने आप को देखना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि किसी क्या कोई संसार में, इस संसार में क्या कोई दोष रहित जो मनुष्य है जिसने कभी भी ये अवसर नहीं देता कि, और जिस तरीके से एक जो घोड़ा होता है, जिस तरीके से एक घोड़ा अपने मालिक को चाबुक के लिए अवसर नहीं प्रदान करता, उसी तरीके से क्या कोई मनुष्य इस संसार में है जो कोई ऐसा अवसर नहीं देता। तो इसीलिए तथागत कहते हैं कि किसी से भी बुरा वचन मत बोलो, किसी से भी घृणा मत करो, क्योंकि अगर आप किसी से बुरा वचन बोलोगे या बुरी तरीके से बोलोगे तो वो भी आपको उसी तरीके से बोलेगा। यदि आप किसी पर प्रहार करोगे तो वो भी आप पर उसी तरीके से प्रहार करेगा। इसीलिए मनुष्य को उसको उसका जीवन विवेकशील होना चाहिए और निर्मल होना चाहिए और घृणा रहित होना चाहिए, तृष्णा रहित होना चाहिए, कामना रहित होना चाहिए, आसक्ति रहित होना चाहिए। अगर ये सारे गुण हैं तो उनका जीवन वैसे कठिनाई से तो गुजरता है लेकिन वही सुख को प्राप्त करता है। इसीलिए किसी को भी बुरा मत बोलो, किसी को भी हानि मत पहुंचाओ, क्योंकि अगर स्वतंत्रता है किसी मनुष्य में, स्वतंत्रता है, विनम्रता है, कोई निर्मल है, कोई विवेक प्रिय है, कोई ये जो सारे गुण हैं ये ठीक ऐसे ही हैं जैसे एक गाड़ी के पहिए की धुरी होती है, बिल्कुल वैसे ही मनुष्य के ये सारे गुण होते हैं। इसीलिए तथागत ये कहते हैं कि सबके प्रति अगर सुख को प्राप्त करना है, अगर इस जो पूरे अध्याय का जो सार है वो यही है कि सुख को प्राप्त करना है तो अपने कृत पर ध्यान दो, अपने आप का जीवन निर्मल बनाओ, अपने आप को कामना रहित करो, तृष्णा रहित करो, प्रमाद रहित करो। अगर ये सारे गुण हैं तो हमको सुख की प्राप्ति होती है और हम दुख का कारण भी हम स्वयं होते हैं। क्योंकि जो तथागत आगे ये कहते हैं कि जो भी मनुष्य है अगर उसको दान देना है, किसी को दान देना है, तो वो ऐसे ही मनुष्य को दान देना है जो इन सारे दोषों से रहित हो, जिसमें ये सारे दोष ना हो, उनको अगर हम ये दान देते हैं तो हमारा दान महान कहलाता है। और तथागत ने ये भी कहा है कि जो सबसे बड़ा जो दान है वो धम का दान है, और जिसमें मनुष्य आनंद प्राप्त करता है वो धम से प्राप्त करता है, ऊंचे आचरण से प्राप्त होता है सुख। तो इस तरीके से तथागत बुद्ध ने
यही कहा और यही उनका बौद्ध जीवन मार्ग है, यही उन्होंने शिक्षा दी कि अपने मन को सभी दोषों से मुक्त करके इसको करुणामयी बनाना और दान करना, यही तथागत बुद्ध की शिक्षाएं हैं। इसी चैप्टर में हम एक और चैप्टर की बात करते हैं कि 11वां चैप्टर, जिसका टाइटल है ढोंग। तथागत बुद्ध कहते हैं कि किसी से भी हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए और दूसरों को झूठ बोलने की प्रेरणा भी नहीं देनी चाहिए और ना ही किसी के झूठ का समर्थन करना चाहिए और जो मिथ्या जो भाषण देते हैं उन सब से दूर रहना चाहिए। तथागत बुद्ध ने कहा कि जो झूठ बोलते हैं वो ढोंग करते हैं और लोगों को लोगों के भोलेपन का फायदा उठाते हैं, इसलिए ये जो ढोंगी होते हैं इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि तथागत बुद्ध जैसा बोलते हैं वो वैसा ही आचरण करते हैं और जैसा वो आचरण करते हैं वैसा ही वो बोलते हैं। इसीलिए तथागत बुद्ध यथाभासी और तथाकारी है, यानी कि तथाकारी और यथाभासी है। तो तथागत बुद्ध को इसीलिए सम्यक संबुद्ध कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे तमाम दोषों से और तमाम ऐसे जो दोष हैं उन पर उन्होंने विजय प्राप्त करी। उन्होंने अपने आप को सभी दोषों से मुक्त रहकर अपने जीवन को मानव जाति के कल्याण के लिए लगाया, सभी को मैत्री करुणा का पाठ पढ़ाया और सभी को बुरी आदतों से दूर रहने की उन्होंने शिक्षा दी। तो यही बौद्ध जीवन मार्ग है, ये इसी की तथागत बुद्ध ने शिक्षाएं दी। तो आज का हमारा जो ये चैप्टर है ये भी यही समाप्त होता है। कल एक नए चैप्टर के साथ एसएम न्यूज पर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं शकुन बौद्ध अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।